सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 31st पर पुलिस की रहेगी पहली नजर, बात करते करते मोबाइल ले भागा युवक। अमरावती जिले में मिले 4 नए पॉजिटिव, आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नए साल के जश्न में कोई भंग ना पड़े व किसी भी तरह की अनुचित घटना न हो, इस उद्देश्य से 31st पर शहर पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त लगाया है। सीपी डॉक्टर आरती सिन्हा के मार्गदर्शन में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों को बंदोबस्त में तैनात करने की योजना बनाई है। 31st को शहर में चौक चौराहे पर बैरियर डालकर नाकाबंदी मुहिम चलाई जाएगी, जहां शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच कर ड्रिंकिंग ड्राइव के तहत FIR दर्ज किया जाएगा। तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाने वालों पर कार्रवाई होगी। अगली खबर, कॉल करने के लिए फोन मांग कर बात करते हुए एक युवक मोबाइल लेकर फरार हो गया। घटना शनिवार को पंचवटी चौक के एक किराना स्टोर के पास हुई है। भाग्यवान जलंधर तिरपुड़े पेंडरी तहसील लाखनी निवासी साबुन खरीदने के लिए पंचवटी चौक स्थित किराना दुकान पर गया था। उन्हें किसी अजनबी ने कॉल करने के लिए मोबाइल मांगा। इसके बाद अजनबी व्यक्ति सफेद स्कूटी की गाड़ी से फरार हो गया। भाग्यवान तिरपुड़े ने गाड़गे नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अगली खबर, अमरावती जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हुई है। सोमवार को 4 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना से अब तक कुल 96,215 पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं। जिले में कोरोना से अब तक 1,568 रोगियों की मौत हुई है, जबकि वही 96,605 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में एक्टिव मरीज 10 है। रिकवरी रेट 98.33 व डेथ रेट 1.63 हो गया है। 9,02,274 लोगों के नमूनों की जांच हुई है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।